सातवीं क्लास के सभी छात्रों का नैतिक शिक्षा की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हमारा दसवां अध्याय चल रहा है और उसमें हमने अब दूसरा भाग जिसमें से अंतिम पंक्तियां रह गई थी वो जाननी है। यहाँ हम चल रहे थे कि छोटे से दास तेरे रवि चंद्र हैं उपस्थित। हे परमपिता परमात्मा, आपके जो सूर्य और चंद्रमा ये छोटे से दास कहा है जो हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, आपकी सृष्टि को हमेशा रोशन करते रहते हैं, उजाला फैलाते रहते हैं। तो फिर तेरे सामने क्या कह कहते कि करने को नित उजाला, नित्य आपकी दुनिया को, आपकी सृष्टि को, बनाई हुई सृष्टि को प्रकाशित करने के लिए, इसमें उजाला फैलाने के लिए सूर्य और चंद्र जो तेरे छोटे से दास हैं वो हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो घृत दीप क्या चढ़ाऊँ, फिर मैं छोटा सा घी का दीवा जलाकर फालतू के आडंबर में नहीं फंसना चाहता, तो मैं आपका के सामने घी का दीवा क्या जलाऊं। अब कहने का भाव यह है कि आपकी रोशनी, आपकी जो सृष्टि है उसको तो आपने स्वयं इतने प्रकाश से प्रकाशित कर रखा है, तो एक दीवा जला करके मैं फिर क्या रोशन कर सकता हूँ। विनती किशोर की है, अंतिम पंक्तियों में कहा है कि परम पिता परमात्मा, मैं मन बुद्धि या किशोर बुद्धि या बालक आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। मेरी निस्दिन हे दयालु देव, हे परमपिता परमात्मा, आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी सदा मैं अपने हृदय में लो लगाऊं और आप सदा मेरी आंखों में बसे रहें। हृदय में लो हो मेरी तेरी, यानी मैं अपने हृदय में तेरी सदा लो लगाता रहूं, अर्थात तुम सदा मेरे हृदय में वास करो और आंखों में समाऊं, मैं तुम्हें अपनी आंखों में हमेशा बसा के रखूं, आप हमेशा मेरी आंखों में वास करें, मेरे ध्यान में रहें। तो इस प्रकार से ये सुंदर पंक्तियां हैं, इनके सभी पंक्तियों के अंदर अंत में यही कहा है कि मुझ में कोई इतना अहंकार नहीं, मेरे में कुछ खास नहीं जो मैं आपको अर्पित कर सकूं। आप परम दयालु हैं, आप समस्त सृष्टि के, समस्त पदार्थों के, सब चीज़ों के मूल हैं, आप ही की चीज़ आपको चढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ही का बनाया हुआ सब कुछ है, जैसे किसी दुकानदार के पास कोई जाए उसी की वस्तु उठा करके उसी को भेंट करेगी तो कैसा लगेगा। तो इसी तरह से ये भक्त जो है इस भाव से देख रहा है कि परमात्मा पत्ता पत्ता जर्रा जर्रा सब आप ही का बनाया हुआ है, आपको क्या चढ़ाऊँ, इसलिए बस मैं तो आपके हृदय में लो लगा ली है, आप मेरे हृदय में आ जाओ, मेरी आंखों में बस जाओ। भाव क्या कहा है देखिए, इन पंक्तियों में यहाँ भाव दिया है क्या कि इस थोड़ा हिल रहा है कैमरा, इस विनय में आनंद स्वरूप परमात्मा को, भगवान को समस्त मंगलों का मूल माना गया है, यानी सारे मंगल भगवान ही उपस्थित करते हैं। आपको निराकार माना गया है, आपका कोई आकार नहीं है। जैसे मैंने रामचरितमानस का एग्जाम्पल पिछली पंक्तियों में दिया था कि वो बिन पग चले, बिना पैरों के दौड़ पड़ते हैं, बिना कानों के सुन लेते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी बातें उसमें आई हैं। और ये कहा है कि परमात्मा आप निराकार हैं और संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी हैं, समूची धन दौलत के स्वामी मान करके भक्त उसे उसी के द्वारा रचित वस्तुओं को भेंट करने में संकोच करता है। यानी ये भाव है कि भाई आप ही का तो बनाया हुआ है, आप ही को क्या भेंट करना। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और लोक लोकांतरों को स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, तो इसलिए भक्तिमान भक्त जो है ये कहता है कि आपके सामने दीपक जलाने से क्या मैं आपको रोशनी दिखा सकता हूँ। भक्त यहाँ भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मेरे हृदय में सदैव वास करें और अंत में आप ही की रोशनी में, आप ही के प्रकाश में मैं हमेशा के लिए विलीन हो जाऊं। तो ये पंक्तियाँ यहाँ पर उस भाव के तौर पर प्रदान की गई हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है, अब प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है। इस प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना की गई है कि परमात्मा, मैं वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी विधि है जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं और किस तरह से मैं आपके समीप बैठ सकता हूं, आपके पास बैठने की मुझ में योग्यता आ जाए, वो शक्ति, वो भाव, वो योग्यता मुझे आप प्रदान करें।
दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त क्यों हिचकिचाता है। भक्त भगवान पर पैसा चढ़ाते हुए इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के कोषाध्यक्ष हैं स्वयं कुबेर, वो स्वयं भगवान के दास हैं। तो सारा धन यानी परमात्मा का हुआ और जब समस्त धन तो भगवान का ही है तो फिर एक तांबे का सिक्का मेरे पास मेरी सामर्थ्य के अनुसार अगर मैं चढ़ाऊं तो उसका क्या मोल। इसलिए मुझे संकोच होता है कि आप ही का बनाया हुआ सब कुछ धन है तो आप ही को देते हुए मुझे लज्जा या संकोच शर्मिंदगी या हिचकिचाहट होती है। भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना और नैवेद्य अर्पण करना भक्त को अनुचित क्यों दिखाई देता है। भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना इसलिए अनुचित दिखाई देता है क्योंकि जो जल की देवी गंगा है, माता नदी गंगा नदी गंगा, जिसका पवित्र जल जिसमें मरने के बाद हमारी अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है, जो शांति का मूल है। भगीरथ जी गंगा को इसलिए धरती पर लेके आए कि अतृप्त आत्माओं को अशांत आत्माओं को शांति प्राप्त होती रहे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कहा कि जो गंगा है माता वो आपकी दासी है और जो मेघों के देवता जल के देवता भगवान हैं इंद्रदेव वो भी आपके चरणों की सेवा करते हैं और समस्त वैभव नैवेद्य मैंने होता है जो भी मीठे आदि पदार्थ हैं वो भी उन समस्त पदार्थों का जो खाद्य पदार्थ है उन सब के स्वामी भी आप ही हैं और वो आप ही की चीज़ मैं आपको चढ़ाऊँ तो लज्जा और संकोच का अनुभव होता है। इसलिए भगवान के सामने भगवान ही की वस्तुओं को अर्पित करते हुए लज्जा अनुभव होती है। अपने सौंदर्य की परख के लिए चल ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद।